नागपुर समेत विदर्भ में तापमान बढ़ गया है। नागपुर क्षेत्रीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बढ़ते तापमान के कारण अगले दो दिनों में विदर्भ में लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग के क्षेत्रीय निदेशक MLS साहू ने कहा कि वर्तमान में विदर्भ के वर्धा और वाशिम जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और शेष सभी जिलों में पारा दो दिन में 40 डिग्री तक पहुँच जाएगा। वर्तमान स्थिति को देखकर यह समझ में आ रहा है कि गर्मी विदर्भ के लिए भारी होगी। नागपुर समेत विदर्भ में भीषण गर्मी पूरे देश में मशहूर है और इस वर्ष भी ऐसा ही कुछ नजारा दिख रहा है। अमूमन मार्च के अंत में गर्मी शुरू हो जाती है, लेकिन इस साल मार्च के मध्य से पहले ही मौसम विभाग ने विदर्भ में चेतावनी दी। अभी विदर्भ में टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ है और अभी सबसे गर्म जो है विदर्भ में वर्धा है। वर्धा में कल जो है 38.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से वहाँ हीट वेव कंडीशन हो सकती है। तो अभी चेतावनी हमने आज तो नहीं दिया है, लेकिन बहुत जल्दी चेतावनी हीट वेव की जो है कल या परसों से शुरू करनी पड़ेगी। बाकी जो मॉडल का जो प्रेडिक्शन है और जो सिचुएशन है कि नॉर्थ वेस्टर्ली विंड आ रही है राजस्थान की तरफ से, वो गर्म हवाएँ हैं और क्लाउड बिल्कुल क्लियर है, अभी कोई बादल वगैरह नहीं है। तो और टेम्परेचर्स के जो फोरकास्ट है मॉडल्स के, वो ये बता रहे हैं कि अभी टेम्परेचर अगले 4-5 दिन जो है 40 प्लस जाने की संभावना है। तो उसमें चूंकि विदर्भ का टेम्परेचर ऑलरेडी काफ़ी हाई होता है, इसलिए 40 प्लस में हीट वेव नहीं होता है, लेकिन एक दो स्थान में मतलब जो है एक दो दिन के बाद में हीट वेव कंडीशन शुरू हो जाएगी यहाँ पर। अभी कौन से जिले हैं जिनमें ये कंडीशन बनेंगी? अभी जो है वर्धा में तो काफ़ी क्लोज है, हो सकता है कल से ही वहाँ पे हीट वेव आ जाए या आज से आ जाए। अब वाशिम में भी थोड़ा सा जो टेम्परेचर जो है मार्जिन जो है वो हीट वेव के आसपास है, 38 के आसपास वहाँ भी टेम्परेचर चल रहा है। क्या कारण लगता है? अभी तो नॉर्मल हीटिंग हो रही है, जो सेंट्रल इंडिया में जैसे कारण बताया मैंने कि अभी क्लाउड नहीं है, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड राजस्थान की तरफ से आ रही है, यही मेन रीज़न है इसका। नागपुर में अभी टेम्परेचर तो बढ़ेगा, लेकिन अभी हीट वेव की स्थिति अभी नहीं है, क्योंकि वहाँ डिपार्चर 1.5 डिग्री ही है। तो हीट वेव के लिए या तो डिपार्चर 5 डिग्री के आसपास हो या फिर 45 डिग्री टेम्परेचर हो, तो अभी दोनों सिचुएशन नहीं है। राजस्थान की ओर से विंड आ रही है, हाँ गर्म हवा आ रही है राजस्थान की तरफ से, तो उसके कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है। नागपुर और विदर्भ के कई जिलों में तापमान 35 से 37 डिग्री तक पहुंच गया है। अगले दो दिनों में कई शहरों में तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। राजस्थान के उत्तर की ओर चल रही गर्म हवाओं के कारण विदर्भ में तापमान बढ़ गया है। मौसम विभाग ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि आसमान साफ रहने से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।